नमस्कार, आप देख रहे हैं सहा न्यूज। हम हर वीक हेल्थ केयर टिप्स में आप सभी को एक डॉक्टर के साथ उपस्थित होते हैं। तो आज के डॉक्टर है डॉक्टर एम अंसारी और हम आज बात करने वाले हैं चेहरे पे दाग और पिंपल के बारे में कि नॉर्मली देखा जाता है कि बॉयज हो या गर्ल्स सभी के चेहरे पे दाग हो जाते हैं। उम्र ज़्यादा हो या कम है मायने नहीं रखता, चेहरे पे दाग हो जाते हैं और बहुत कम उम्र में ही पिंपल निकलने लगते हैं। तो ये दोनों के बारे में आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि चेहरे पे पिंपल और दाग का कारण क्या है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका सहा न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर एम अंसारी मोतिहारी में हूँ। मेरा क्लिनिक ये मोतिहारी में है और मठिया जिरात में है और मैं यहाँ कॉस्मेटिक्स का ही मोस्टली पेशेंट का काम कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे फैकल्टीज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हेयर है और भी बहुत सारी चीज़ है। तो एक्चुअली आज का जो टॉपिक है सहा न्यूज की तरफ से, तो इसमें है क्या कि दाग और पिंपल्स का क्या कैसे होता है, क्या होता है। तो नॉर्मली दाग तो चेहरे पे बहुत तरह के होते हैं और बहुत तरह से आते भी हैं चेहरे पे। जैसे आपके चेहरे का सही देखभाल नहीं हो रहा है, आपका खानपान सही नहीं है, आप ज़्यादा धूल मिट्टी वाले एरिया में घूम रहे हैं, आप कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उससे बहुत सारे दाग बनने लगते हैं और आपके जो चमड़े का परत होता है, जो ऊपर का जो डर्मिस होता है, उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के जरिए वहाँ पर हवा का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है फेस से, अच्छा ऑक्सीजनेशन नहीं होता है, चेहरे की अच्छी सफाई नहीं होती, उससे बहुत तरह के दाग बन जाते हैं। दूसरी बात है पिंपल्स की। पिंपल्स आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है और पिंपल्स में क्या होता है कि आज के डेट में, आज के समय में बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं जो भी नए उम्र में हैं उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है। हालांकि ये हर उम्र में भी होता है और लंबे दिनों तक रह जाता है, लेकिन कम उम्र में, किशोर में और बालिकाएँ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। एक्चुअली पहला तो होता है कि उनका एक हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है उसके वजह से भी होता है, और दूसरा होता है कि ये बीमारी नॉर्मल हमारा जो सीबेसियस ग्लैंड होता है ऊपर वाले चमड़े के परत के जस्ट नीचे, तो उससे एक सीबम का सेक्रेशन होता है, वो हमारे चमड़े को जो हमारा परत है चेहरे का उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सनिग्ध करता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि उसको नमी देता है और उसे चेहरे में चमक रहती है और चमड़ा उससे खिलता है, लेकिन वो किसी कारण से बंद हो जाता है। जैसे आपको तरह तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाने से, कुछ और एक्सपायरी चीज़ लगाने से, कुछ बेकार चीज़ों को इस्तेमाल करने से वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से वो पूरे चेहरे में धीरे धीरे वो घाव बन के बाहर निकल जाता है। इसका नाम है एक्नी वल्गेरिस। और वो जो फुंसी बड़ा होकर निकल जाता है, जो बम्स बन जाते हैं उसके ऊपर पीला पीला फोड़ा होता है, वो पिंपल्स का ग्रेड हो जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें एक बहुत ही शुरुआती होते हैं और एक नॉर्मल रहता है, फिर बाद में ये नोडुलोसिस्टिक हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा साइज का बन जाता है, तो बड़ा बहुत दिक्कत होता है उसको माने ठीक होने में और चेहरे पे बहुत पेन वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो इसके लिए आपको मेरा जो छोटा सुझाव है एक नॉर्मल, कि जैसे किसी चिकित्सक से भी सलाह लेना चाहिए जो इनके बारे में अच्छा इलाज आपका करते हों। दूसरा है क्या कि सबसे ज़रूरी है कि आप बहुत ही मतलब अच्छे से अपने लाइफ को गुजारें, फल खाएं, ज़्यादा पानी पिएं, पेट में कब्ज नहीं बनने दें और कोशिश करें कि इस वजह से गर्दन और आगे का जो पोर्शन होता है ना चेहरे वहरे के नीचे भी ये फैलने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो कपड़ा होता है ना उसको ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको तंग कपड़ा या मतलब ज़्यादा टाइट कपड़ा भी नहीं रखना चाहिए, थोड़ा अच्छा रहना चाहिए उसमें। और दूसरा चीज़ है क्या कि जैसे आपका जो खाने पीने का मैं पहले भी बताया हूँ कि खान पान भी अच्छा रहना चाहिए, तो उसमें ये ज़रूर कोशिश करें कि पानी कम से कम 12-14 गिलास ज़रूर पिए और फल का मात्रा बढ़ाएँ और जो मसाला है, तेल है, अधिक वायल का प्रयोग न करें। अगर ये इन्फेक्शन आ जाता है तो बिल्कुल तेल को रोक ले, कम कर दे और ये धीरे धीरे कम हो जाता है, और अच्छा चिकित्सा से सलाह ले और फिर आने वाले समय में ये आपको धीरे धीरे कम होने लगेगा। सर जो चेहरे पे दाग देखा जाता है जनरली, लोग ये भी कहते हैं कि ये जेनेटिक भी होते हैं, क्या सर सही है जेनेटिक होना? एक्चुअली क्या है कि बहुत सारा बात तो जेनेटिक्स नहीं हो पाता, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ होता है जैसे हम और भी बहुत सारा है जिसमें सफ़ेद वगैरह आता है, जो विटिलिगो वगैरह आता है, ये सब के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हाँ वो हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
कुछ ऐसा दाग है जो जेनेटिक्स भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये धीरे धीरे बनने लगते हैं शरीर पे, जो सूरज के रोशनी से, ज़्यादा सूरज की रोशनी में जल जाने से, उसके एक्सपोजर से, ये सब से बनने लगता है, ऐसा कुछ होता है रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ से डॉक्टर एम अंसारी, इन्होंने बताया कि चेहरे पे पिंपल और दाग होते हैं, उनको किस तरह से, किस तरह ट्रीटमेंट करके उनसे बचा जा सकता है। आप देख रहे थे सा न्यूज, धन्यवाद।